चैप्टर 12 क्लास 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूला एंड रूल्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 12.4 है। ओके, तो एक्सरसाइज 12.4 में हमको क्या करना है, यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूला एंड रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें सबसे फर्स्ट बनाना है पैरामीट्रिक फार्मूलाज। जैसे कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था, यदि हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी लेंथ सब ईच साइड की यदि एल है, तो अगर हमें पैरीमीटर निकालना है, पैरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स एल प्लस एल प्लस एल विल बी इक्वल टू, पैरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 ऑफ एल। यहाँ पे हमने जो भी फार्मूला निकाला है वो यूजिंग ऑफ क्या निकाला है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है पैरीमीटर के लिए पी यूज़ किया, लेंथ के लिए क्या यूज़ किया, एल यूज़ किया, तो हमारे पास क्या निकला, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू क्या निकला, 3 ऑफ एल। ओके, नेक्स्ट उसी प्रकार यदि हमें देखें कि क्या बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की भी अगर ईच साइड की लेंथ यदि हम एल रिप्रेजेंटेशन करें, तो एल कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम क्या डिफाइन करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ एल। एल प्लस एल प्लस एल कितने टाइम्स हमें ऐड करना है, 4 टाइम्स ऐड करना है, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एल। नेक्स्ट इसी के बेस पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर भी आप जानते हैं, यदि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आपने क्लास 6 में पढ़ा था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अगर लेंथ आपकी 2 मीटर है और ब्रीथ इज इक्वल टू 3 मीटर है, तो आप एरिया कैसे निकालते थे, एरिया विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा फार्मूला आया वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पे हमने क्वेश्चन को क्या किया है, फाइंड आउट किया है। एरिया को निकालने के लिए हम एल और बी यूज़ किए हैं, ओके, एल और बी यूज़ किए हैं, और एरिया के लिए हमने क्या डिनोट किया है, ए डिनोट किया है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम एरिया का फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, अगर बेस की लेंथ यदि हमें गिवन है और हाइट ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, तो हाइट अगर हम एस से डिनोट करें और बेस को अगर हम बी से डिनोट करें, तो एरिया, अगर हमें एरिया मीन्स ये कितना पोर्शन को कवर कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2b मल्टीप्लाई एच करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन के फार्मूला को बनाने के लिए, हम एरिया का फार्मूला बनाने के लिए हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बी और एच का यूज़ करते हुए एरिया का क्या करें हैं, फार्मूला को फाइंड आउट करें हैं। इसी प्रकार क्लासिक्स में आपने नंबर पैटर्न के बारे में देखा था, नंबर पैटर्न में यदि आपको बोल रहा है, यदि फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकेंड नंबर आपका क्या होगा, 2। तो यदि हम इसे यहाँ पर जो गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है, इफ़ ए नेचुरल नंबर इज डोनेटेड बाई एन, इट्स सक्सीजर क्या होगा, एन प्लस 1। देखो नेचुरल नंबर n है तो इसका सक्सीजर हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1। 2 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, n की प्लेस में 2 रखोगे तो 2 प्लस 1, नेक्स्ट सक्सीजर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, यदि हमारे पास गिवन है 4, तो नेक्स्ट सक्सीजर की वैल्यू 4 और 4 प्लस 1 यानी क्या आएगी आपकी, 5। तो यदि हमें किसी भी नेचुरल नंबर यदि हम n डिनोट करें, तो उसका नेक्स्ट सक्सीजर यानी नेक्स्ट आने वाला नंबर हम क्या डिनोट करेंगे, एन प्लस 1। तो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल को यूज़ करके हम फार्मूला को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्लास 6 में हमने इस पैटर्न की क्वेश्चन को भी पढ़ा था कि जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ऑब्जर्व दिस फिगर, यहाँ पे आपको अगर ये स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट को यूज़ कर रहे हैं हम, 4, 1, 2, 3 एंड 4 लाइन सेगमेंट को यूज़ कर रहे हैं। यदि हमें 2 स्क्वायर को फॉर्म करना है तो हम कितने लाइन सेगमेंट का यूज़ कर रहे हैं, 7। यहाँ पे ये हमारी लाइन सेगमेंट क्या है, कॉमन है, तो कितनी लाइन सेगमेंट है आपके पास, है 7 लाइन सेगमेंट आपके पास कॉमन है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हुई, 7। उसी प्रकार अगर 3 हमें स्क्वायर बनाना है, तो 3 स्क्वायर बनाना है तो पहले 1 के लिए ये हुआ, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद ये 3, ओनली
थ्री अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आपके पास कितनी लग रही हैं, 10 लग रही हैं। ओके, तो यदि अगर हम फार्मूला फॉर्म करना चाहें तो आप देखो यहाँ पे पहला वन, फिर ये लाइन सेगमेंट सब में एस्ट्रा जा रही है वन के लिए, टू के लिए पहले वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, और ये लाइन सेगमेंट सब में एस्ट्रा जा रही है ये टू टू स्क्वायर बनाने के लिए। थ्री स्क्वायर बनाने के लिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, और ये लाइन सेगमेंट एक्स्ट्रा हो गई, ये हमारा क्या बना, थ्री स्क्वायर बना। तो इट मीन्स यदि हमें एन स्क्वायर को फॉर्म करना है तो एन स्क्वायर में हमारे मल्टीपल ऑफ क्या नंबर जाने वाले हैं, थ्री पैटर्न में जाने वाले, केवल एक लाइन क्या सेगमेंट आ रही है आपकी एक्स्ट्रा आ रही है। तो हम इसके लिए फार्मूला बना सकते हैं, दिस इज मल्टीपल ऑफ थ्री एन प्लस वन, क्योंकि फर्स्ट के लिए हमने थ्री प्लस वन, सेकेंड के लिए भी हमने क्या लिया था थ्री प्लस थ्री, कितने टाइम्स आ रहा था, टू टाइम्स आ रहा था, और फिर क्या आ रहा था आपके पास प्लस ऑफ वन। तो इस प्रकार यदि हम देखें फार्मूला जो हमने बनाया थ्री एन प्लस वन, तो एन इक्वल टू अगर आप वन पुट अप करोगे तो थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस वन इट मीन्स कितना आ जाएगा, फोर। इसी फार्मूला में यदि हम एन इक्वल टू टू पुट अप करें थ्री एन प्लस वन में, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आपके मिल जाएंगे एन इक्वल टू टू पुट अप करेंगे, फिर हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड टू स्क्वायर बनाने के लिए, टू स्क्वायर बनाने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है, सेवन लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है। उसी प्रकार थ्री स्क्वायर बनाने के लिए अगर लाइन सेगमेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो थ्री एन प्लस वन इट मीन्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन, थ्री थ्री जन नाइन प्लस वन इट मीन्स क्या हो जाएगा टेन। मीन्स थ्री स्क्वायर बनाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी, लाइन सेगमेंट कितनी चाहिए, थ्री चाहिए। ओके, तो उसी प्रकार नेक्स्ट इस क्वेश्चन हम फार्मूला को देखें, इसमें जो हम यू बना रहे हैं यू के लिए भी देखें, अगर वन यू बना रहे हैं तो टू प्लस वन, टू यू बना रहे हैं तो टू, ये हो गया टू प्लस वन, तो कितना आ गया फाइव, टोटल लाइन सेगमेंट कितनी हो गई फाइव। और थ्री बनाने के लिए वन टू थ्री एंड वन, मीन्स ये टू थ्री के लिए टू का मल्टीपल जा रहा है आपका, ये टू का मल्टीपल टू प्लस वन, और यहाँ पे कितना आया टू टाइम्स ऑफ टू प्लस वन, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है टू टाइम्स ऑफ थ्री प्लस वन, टू की टेबल जाती है और वन ऐड होता है, टू की टेबल जा रही है और वन ऐड हो रहा है, टू की टेबल आपके पास यहाँ टू टू थ्री जो सिक्स प्लस वन ऐड हो रहा है। यदि हमें फोर यू बनाना है तो वन टू थ्री फोर एंड वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ फोर प्लस वन। तो उसी प्रकार अगर हमें एन यू बनाना है या एन यू फॉर्म ऑफ करना है तो हम लिखेंगे टू टाइम्स ऑफ एन प्लस ऑफ वन, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया यू बनाने के लिए, फार्मूला आ गया टू एन प्लस वन। अगर हम इस फॉर्मूला में एन की प्लेस में वन रखते हैं तो एन की प्लेस में वन रखेंगे तो टू मल्टीप्लाई वन प्लस वन इट मीन्स थ्री लाइन सेगमेंट की आपको क्या है ज़रूरत है, वन यू बनाने के लिए थ्री लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है। यदि हम टू एन प्लस वन में एन इक्वल टू टू पुट अप करें तो टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन इट मीन्स फोर प्लस वन, कितने लाइन सेगमेंट आ गए आपके पास, फाइव लाइन सेगमेंट आ गए। मीन्स टू यू बनाने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है, फाइव लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है। उसी प्रकार आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स दिए होंगे, जैसे एक्सरसाइज 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 12.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लाइन ये बनाया है सिक्स बनाया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बनाया है सिक्स, बी फर्स्ट के ए में सिक्स बना रहा है, फर्स्ट के बी में क्या बना रहा है आपके पास फोर बना रहा है, और फर्स्ट के सी में कितना बना रहा है सेवन बना एट बना रहा है, एट एट को लाइन सेगमेंट से बना रहा है। वन सेगमेंट बनाने के लिए सिक्स बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत हो रही है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, सिक्स लाइन सेगमेंट। और टू सिक्स बनाने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव 61 बना। अब नेक्स्ट स्टेप में वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे जो फाइव आया ठीक है, तो वन सिक्स बनाने के लिए फाइव प्लस वन फार्मूला आ रहा है, टू सिक्स बनाने के लिए फाइव मल्टीप्लाई टू प्लस वन फार्मूला आ रहा है। इसने फार्मूला को डिराइव करके आपको बता दिया, लास्ट में देखिए क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म इज टेकन बाई एन, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन डिजिट इज इक्वल टू फाइव
यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है 5n+1, तो n इक्वल टू अगर हम 1 पुट अप करें तो 5 × 1+1 इट मीन्स कितना आ जाएगा 6। पहले वाले का आया आंसर n इक्वल टू 6। ओके अब 2 के लिए निकालना चाहें तो n की प्लेस में 2 रखो, n इक्वल टू 2, तो 5 × 2+1 तो हमारे पास आंसर 2 + 1 क्या दे देगा 11। ये 2 6 बनाने के लिए 11 उसकी ज़रूरत हो रही है। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि 6 बनाने का जो फॉर्मूला है वो 5n+1 है, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 6 बनाने के लिए, 5 6 बनाने के लिए कितनी लाइन सीक्वेंस की ज़रूरत होगी। तो हम n की प्लेस में क्या पुट अप कर देंगे, 5 5 × 5+1 इट इज़ 25+1 इट मीन्स 5 6 बनाने के लिए हमें 26 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कि 10 6 बनाने के लिए, अगर आपको 10 6 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी। तो हम फार्मूला 5n+1 में 5 × 10+1 मीन्स 15+1 पुटअप करते हुए हमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी, 16 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी। उसी में पूछ रहा है आपको अगर 100 6 बनाना है तो आपको कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी। हम n की प्लेस में क्या पुट अप कर देंगे, 100, 5 × 100+1 इट मीन्स 501 लाइन सेगमेंट की आपको क्या होगी ज़रूरत होगी। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है कि 4 4 बनाने का जो आपको फार्मूला दिया है 3n+1 गिवन है, ये आपको 4 बनाने का फार्मूला दिया है, 4 बनाने का फार्मूला 3n+1 गिवन है, 4 बनाने का फार्मूला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 4 बनाना है तो n की प्लेस में क्या रखोगे आप, 5। फिर बोल रहा है 10 4 बनाना है तो n की प्लेस में आप क्या रखेंगे, 10। 100 4 बनाना है तो n की प्लेस में क्या रखेंगे आप, 100। उसी प्रकार 8 बनाने के लिए जो फार्मूला आपको दिया है 5n+2 दिया है, ओके 5n+2 दिया है, तो यहाँ भी 5 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, n की प्लेस में क्या पुट अप करोगे, 5। फिर 10 पुट करोगे, फिर 100 पुट करोगे, तो इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा कि 5n+2 में अगर हमें 108 बनाना है, 108 बनाना है तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी। तो n की प्लेस में हम क्या पुट अप करेंगे, 100 पुट अप करेंगे, तो 5 × 100+2 तो 500+2 कितना हो जाएगा, 502। तो इस प्रकार हम फार्मूला को डिराइव किए, फार्मूला से हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईच पैटर्न को बनाने के लिए 5, 10 और 100 को बनाने के लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पैटर्न दिया है, पैटर्न के बेस पे हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इस फॉर्मूला से 5n+2, 3n+1 एंड 5n+2 से हम क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूज़ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कम्प्लीट द टेबल। एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट में दिया है 2n-1, फर्स्ट टर्म के लिए आपको आंसर लिखा है उसने, n की प्लेस में 1 अगर रखोगे आप 2n-1 तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। 2 रखोगे 2n-1 में अगर आप 2 रखेंगे, 2n-1 में अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे n की प्लेस में 2 रखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 × 2-1 इट मीन्स 4-1 आंसर कितना आएगा, 5। तो सेकेंड की जो एंट्री आ रही है वहाँ पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके यहाँ पर देखिए अब थर्ड टर्म के लिए उसी प्रकार 5 आ रहा है, फोर्थ टर्म के लिए 11 आ रहा है, फिफ्थ टर्म के लिए, टेंथ टर्म के लिए 9। हमको 100 टर्म्स के लिए आंसर बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 100 टर्म्स, यहाँ की एंट्रीज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2n-1 में n की प्लेस में क्या रखेंगे, 100 पुट करेंगे, 100-1 तो 200-1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 199। तो यहाँ पर टेबल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा, 199। ओके उसी प्रकार नेक्स्ट बनाते हैं फिफ्थ नंबर के लिए, आपसे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 3n+2 दिया है, इस टेबल को कंप्लीट करना है फिफ्थ टर्म के लिए, फिफ्थ टर्म के तो n की प्लेस में आप क्या पुट अप करोगे, 5 पुट करोगे, तो 3 × 5+2 तो 5 × 3 = 15+2 यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 17 ये वाले टर्म में, फिफ्थ टर्म में। टेंथ टर्म से अगर आपको पूछेगा तो n की प्लेस में क्या पुट अप करोगे आप, 10 पुट करोगे, इसमें 3n+2 में n की प्लेस में हम क्या पुट अप करेंगे, 10, तो 3 × 10+2 तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। तो
यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। ओके, 100 के लिए अगर निकालने बोलेगा तो हम n की प्लेस में यहाँ पर क्या पुट अप करेंगे, 100 पुट करेंगे। तो 3n+2 में n की प्लेस पे अगर आप 100 पुट अप करेंगे तो 3 × 100 + 2, 300 + 2 आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 302। ओके, जहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है वहाँ पे आंसर कितना आएगा, 302। उसी प्रकार हम इस टेबल को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 4n+2 की फिर 4n+1, जहाँ पे यहाँ पे लिंक कर रहा है, 4n+1 की फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है, 4n+1 की फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है, तो n की प्लेस हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 5। 4 × 5 + 1, इट मीन्स 20 + 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 21। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 21 आएगा। तो इस प्रकार हम इस टेबल को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया, 21। अगर यहाँ पर आंसर निकालने बोलेगा, 10th टर्म का आंसर निकालने बोलेगा, तो n की प्लेस में हम यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, 10। तो 10 × 4 = 40 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 41 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे आंसर निकालने बोल रहे हैं तो 100 वाली टेबल में 4n+1, n की प्लेस में क्या रखोगे आप, 100। 100 × 400 + 1, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, 401। तो इस प्रकार इस टेबल को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और कुछ इसमें अगर समझना चाहें तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाया है, क्वाड्रिलेटरल का फिगर, इसमें इस क्वाड्रिलेटरल में कितने नंबर ऑफ डायगोनल है, 1। नंबर ऑफ डायगोनल आपके कितने हैं, 1। लेकिन इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4। यदि 4 साइड है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल की, अगर 4 साइड होती है तो उसमें डायगोनल कितने होते हैं, 1 होते हैं। ओके, तो यदि कोई यहाँ पे फार्मूला उसने दिया है, द नंबर ऑफ डायगोनल वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज n-3। मीन्स अगर आपके पास 5 साइड का कोई पॉलीगॉन है, पेंटागन आपके पास है, ये पेंटागन है, इसकी साइड कितनी है, 5। तब इसमें डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो 1, 2। ओके, ओनली 2 डायगोनल्स आएंगे। अपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो हमारा लाइन सेगमेंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो हम फार्मूला के बेस पे बोलेंगे, यदि n साइड का कोई पॉलीगॉन है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, n-3। यहाँ n की प्लेस में आप 5 रखिए, 5 − 3 का आंसर कितना आया, 2। तो हाउ मेनी डायगोनल्स, यदि पेंटागन है तो उसके कितने डायगोनल आएंगे, 2 डायगोनल आएंगे। और इसका वेरिफिकेशन करते हैं, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बना लें, हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन की कितनी साइड्स हैं आपके पास, 6 साइड हैं। तो इस फॉर्मूला के बेस पे नंबर ऑफ डायगोनल 6 − 3 इज इक्वल टू कितने आना चाहिए, 3 आना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल मीन्स विकर्ण कितने आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग फिर से करें और इसके डायगोनल को ट्रेस करें तो 1 डायगोनल 2 डायगोनल और 3 डायगोनल। तो अगर नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगॉन अगर n है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, n − 3। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर 8 साइड का कोई पॉलीगॉन है यानी ऑक्टागन अगर है तो उसके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 5, 8 − 3। यदि कोई आपका 10 साइड का पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ डायगोनल 10 − 3 इज इक्वल टू कितने आएगा आपके पास, 7। ओके, तो 12.4 में हमने क्या देखा कि एलजेब्रिक वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम फार्मूला को कैसे फॉर्म करेंगे, और हम किसी भी फार्मूला को फाइंड आउट करने के बाद उसमें n की वैल्यू रखने के बाद हम कैसे उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल आपको दिया है, 1 अगर डॉट है तो उसको 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 डॉट है तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। अगर 9 डॉट है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाउ मेनी डॉट आर यर, 9। और 16 है तो आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल कितने डॉट्स हो गए, 16। तो 1 = 1 का स्क्वायर, 2 = 2 का स्क्वायर, 3 मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर, 16 मीन्स कितना हो रहा है, 4 का स्क्वायर। मीन्स n अगर डॉट अगर बनाना चाहते हैं, इस पैटर्न के n डॉट्स बनाना चाहते हैं तो कितने डॉट की ज़रूरत होती है, 16। 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो सिमिलरली हम यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं, n डॉट के लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो n² आएगा। ओके, और नेक्स्ट फार्मूला पैटर्न सीख सकते हैं, यदि हम 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन नंबर्स हैं
तो nth इवन नंबर को हम क्या बोलेंगे, टू टाइम्स ऑफ n, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट नंबर आया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 ये सेकेंड नंबर आया, 2 मल्टीप्लाई 3 ये कितना आया आपका 6, ये थर्ड नंबर आया, 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8। तो जो भी इवन नंबर होती हैं उसको हम किस पैटर्न में लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ n के पैटर्न में लिखते हैं। अगर आपसे बोले कि इवन नंबर का फॉर्मूला बताइए तो हम इवन नंबर को किस पैटर्न में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ n। ओके, n की प्लेस में हम कोई भी नंबर लिखें, हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। उसी प्रकार यदि 3 का टेबल बनाना है, 3, 6, 9, 12, तो इसका nth टर्म क्या आने वाला है, nth टर्म में 3 टाइम्स ऑफ n, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ n में अगर आप n की प्लेस में 1 रखोगे तो 3 वन जा 3, 2 रखोगे तो 3 टू जा 6, 3 रखेंगे तो 3 थ्री जा 9। तो हमारे n की टेबल का 3n की जो 3 की टेबल का nth टर्म आएगा वो कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ n। अगर 4 की टेबल से आपका nth टर्म आपसे कोई पूछे तो आप आंसर क्या देंगे, 4 टाइम्स ऑफ n। 5 की टेबल का आंसर पूछेंगे तो आपका आंसर क्या देंगे, 5 टाइम्स ऑफ n। इसी प्रकार और यहाँ पे और अनदर एग्जांपल भी आपको देते हुए, पी के पैटर्न का फॉर्मूला बनाया, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन सेगमेंट जा रही है 1 के लिए, मीन्स 4+1, और 2 पी बनाना है तो 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट पी बना लीजिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4+1 यानी 4 2 8+1। तो एन पी बनाने के लिए आपके पास फार्मूला कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई n+1। ओके, ये एन पी बनाने का फार्मूला आ गया। उसी प्रकार एच बनाने के लिए आपके पास कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत हो रही है, 5। 2H बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2+2। ओके, 3 2 6+1, बिकॉज 1, 2, 3, 1, 2, 3 दो लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, 1, 2, 3 दो लाइन एक्स्ट्रा जा रही है। अगर 3 बनाना है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 2 लाइन फिर एक्स्ट्रा गई, मीन्स 3H बनाने के लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3+2 मीन्स 11। तो इस प्रकार हम फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, एल्जेब्रा को यूज़ करते हुए, वेरिएबल को यूज़ करते हुए। ओके, और बुक में देख के अच्छे से समझिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट करिए। थैंक यू।